अच्छा मैं बताने वाला हूँ आज पैरेलल नेटवर्क के बारे में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा पैरेलल नेटवर्क, जिसमें आप लोगों को जो जितना ज्यादा पॉइंट एन करके उस हिसाब से आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा। लो जो कि पैरेलल ट्विटर ने वो लोगों ने अपना कॉन्फर्म भी कर दिया। पैरेलल नेटवर्क को पता ही है जो एक लेवल 2 ब्लॉक चेन है, जो इतना भी वायरल नहीं है। 60 से 70 हज़ार लोग भी ज्वाइन किया है ट्विटर। वो लोगों ने साफ साफ बताया पैरेलल पॉइंट कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल। आप लोगों के पास जितना ज़्यादा पैरेलल पॉइंट होगा उस हिसाब से आप लोगों को मेन नेट पे टोकन मिलेगा। तो टेस्ट नेट पे आप लोग फ्री में यान कर सकते हो, तो कोई भी मिस मत करना। एकदम इजी सा स्टेप है, आप लोगों को कैसे क्या करना सब कुछ बताऊंगा। बहुत दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, जिसने भी क्या होगा बहुत अच्छा क्या होगा, जिसने अभी तक नहीं किया वो लोग अभी भी कर सकते हो। मैंने देख सकता कल कुछ ही ट्रांजेक्शन किया था इस अकाउंट पे, देख सकते हो 2 लाख के ऊपर मुझे पॉइंट मिल चुका है। और मेरा जो कि सेकेंड अकाउंट है, सेकेंड अकाउंट पे भी आप लोग देख सकते हो 1 लाख के प्लस मेरे पास पॉइंट हो चुका है कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया था कल रात को। तो अभी आप लोग इसमें कैसे क्या करना है वो बताता हूँ, तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो मैंने करीबन बहुत दिन पहले मैंने वीडियो डाला था इधर, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत दिन पहले मैं टेलीग्राम पे पहुंचा, बहुत दिन से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत दिन से मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। जनवरी 8 में मैंने अपडेट दिया था जो कि आप लोगों को पैरेलल पे जो कि गैलेक्सी में टास्क करने के लिए। और मैंने टेस्ट नेट का अपडेट दिया था, कब दिया था टेस्ट नेट का अपडेट दिया था मैंने करीबन 16 अप्रैल को। तो अभी जो कि चल रहा है कितना, तो बहुत अर्ली में दिया था। तो जिसने भी अब तक नहीं किया, मैंने टेलीग्राम पूरा अपडेट वगैरह दिया था, जिसने भी किया था अच्छा किया, और जिसने नहीं किया आज वीडियो देख के कल ने कैसे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग दे दूंगा ज्वाइनिंग का लिंक और दे दूंगा रेफर कोड भी, रेफर कोड दे दूंगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना, आप लोग सिंपली चले आना इस समय। आने के बाद सिंपली आप लोग अपना वॉलेट को कनेक्ट करना। वॉलेट को जैसे कनेक्ट कर ले तो एयरड्रॉप सेक्शन पे आना, आप लोग ट्विटर कनेक्ट करना, उनका ट्विटर को फॉलो वगैरह करना, रेफर कोड पूछेगा रेफर कोड डालना। रेफर कोड वगैरह जैसे ही डाल दोगे, डालने के बाद आप लोगों का जो कि काम खत्म हो गया। इतना बाद में इधर आप लोग क्या करना होगा, ब्रिज करना होगा। ब्रिज करने के बाद आप लोगों जो कि इधर आप लोगों जो कि ऊपर जो एड्रेस शो करा होगा, इसमें आप लोग क्लिक करके इधर क्रिएट अकाउंट आ गया, इसको अकाउंट को क्रिएट करना होगा। जैसे क्रिएट करके बाद में आप लोग पैरेलल पे टास्क कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग पॉसिट लेना होगा। तो पॉसिट लेने के लिए जिस वॉलेट को आप लोग कनेक्ट किया, मतलब जिस मेटामास्क को कनेक्ट किया उसका एड्रेस उठा लेना। तो आप लोग दे दूंगा पॉसिट का लिंक, तो आप लोगों में इस पॉसिट का लिंक दे दूंगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना होगा इस पॉसिट को लेने के लिए, जब आप लोग इथेरियम सप्लाई और आप लोगों को ये जो इथेरियम इधर से मिलने चाहिए के लिए, आप लोगों मेटामास्क में मिनिमम 0.0015 डॉलर के अराउंड इथेरियम होना होगा तभी मिलेगा। नहीं तो आप लोग और एक वेबसाइट दे दूंगा जिसमें आप लोग माइनिंग करके आप लोग फ्री में सप्लाई टेस्ट ले पाओगे। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, इसमें आप लोग सबसे पहले एड्रेस को पेस्ट करना है। अगर एड्रेस पे अगर आप लोग ईटीएस होगा तो मिल जाएगा, तो सेंड में ईटीएस पे क्लिक करना। तो जैसे क्लिक करके देख सकते हो मुझे इथेरियम मिल चुका होगा। मैं सिंपली आप लोग वॉलेट पे जाकर दिखा देता हूँ, मेरे जो कि इथेरियम मिल चुका होगा। देखो तो 0.1 है, तो करीबन थोड़ा देर बाद ही मैं देखना इधर देखो 0.5 के ऊपर मेरा जो कि इथेरियम हो जाएगा। तो जिसका वॉलेट पे आप लोगों जो कि है वो नहीं है, मतलब जिसका ईटीएस नहीं, इधर से आप लोग सैपोला का पॉसिट ले सकते हो। तो इसमें आप लोग क्या करना होगा, ऊपर आपको हॉलेक्स कुछ जगह पे क्लिक करके देख सकते हो हॉलेक्स लिखा है, तो आप लोग देख सकते हो सैपोला लिखा है। तो आप लोग क्या करना होगा, इधर आप लोग अपना एड्रेस डाल के एम नॉट रजिस्टर्ड माइनिंग कर देना, तो आप लोग इधर से जो कि सैपोला का पॉसिट मिल जाएगा। तो हॉलेक्स लिखा है, सैपोला लिखा है, ड्यू टू ऑनगोइंग एक्टिविटी। तो इधर आप लोग जो कि अपने एड्रेस को डालना है, कैसे करना है वो बताता हूँ। इधर से सिंपली चले आना, अपना एड्रेस को सिंपली इधर से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने एड्रेस को पेस्ट करना, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप लोग इधर स्टार्ट माइनिंग पे जैसे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो कि इधर देख सकते हो माइनिंग जो कि स्टार्ट हो जाएगा। इधर आप लोग देख सकते हो हार्ड रेट, तो आप लोग जितना इस पे जैसे माइनिंग हो जाएगा तो मुझे सेपोला इतनी तरह आप लोग देख सकते हो। तो इधर आप लोगों जो कि इधर जैसे आप लोग मिनिमम आप लोगों को 0.05 होने के बाद आप लोग इसको स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप करके आप लोग अपना इसको क्लेम कर लोगे, तो आपका जो कि ई टी एस होगा सारे के सारा मेटामास्क पे चला आएगा। तो सब लोग इसमें कर लेना, कोई भी मिस मत करना। जिसका भी जो वॉलेट पे बैलेंस कम है वो सभी लोग कर लेना। तो देख सकते हो मैंने जो कि सैपला पॉसिट लिया था वो शायद से आ चुका होगा, आप लोगों मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो मैंने जो कि इथेरियम का सैपला पोर्शन जो लिया था वो मेरा इधर देख सकते हो सब कुछ आ चुका है। तो इधर मेरा सैपला पोर्शन जो कि इधर से जो मैंने लिया था वो आ गया है। तो इसमें माइनिंग देख सकते हो 0.038 हो चुका है। तो माइनिंग होने देना, जितना माइनिंग होने के बाद आप लोग स्टॉक पर भी क्लेम कर ले। तो अभी आप लोग इसमें कैसे वर्क करना है, मतलब पार्टिकल नेटवर्क आप लोग पॉइंट कैसे यान करना। तो जैसे इधर पार्टिकल नेटवर्क सिलेक्ट करो ऑटोमेटिकली आप लोग इधर देख सकते हो पार्टिकल नेटवर्क आ जाएगा।
अभी क्या करना, ऊपर ऐप्स पे क्लिक करना, ऊपर आप लोग ऐप्स पे क्लिक करना। मैंने देख सकते हो काले में आप लोग हिस्ट्री पे जा के दिखा देता हूँ, बाद में आप लोग करके देखो पॉइंट हिस्टोरी, तो मुझे कल कितना पॉइंट मिला वो आप लोग दिखा देता हूँ। इधर देख सकते हो मुझे कल कितना पॉइंट मिला, मैं 2,68,000 कह रहा हूँ तो पॉइंट मिला। मैंने कल ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी नहीं किया था। तो आप लोग कैश ट्रांजेक्शन ऐप्स पे चल जाना है, ब्रिज पे चल जाना है। ब्रिज पे जो आप लोग इथेरियम सेफलर ले लिया, तो इथेरियम सेफलर लेने के बाद सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आप लोग सेफलर से पैरेलल में आप लोग सबसे पहले इथेरियम ब्रिज करना है, जो कि ये इथेरियम होगा, ये जो 0.9 है ना, इधर आप लोग क्लिक करके आप लोग सबसे पहले 0., जैसे कि मैं 0.3 करके इसको सबसे पहले इथेरियम पैरेलल पे ब्रिज कर लेना, क्योंकि पैरेलल पे बाद में आप लोग नेटवर्क पे इसकी जरूरत होगा। तो सबसे पहले आप लोग सेफलर इथेरियम को पैरेलल पे ब्रिज कर लेना, मैं इसमें ब्रिज कर लेता। तो देख सकते हो मेरा जो कि ब्रिज सक्सेसफुल हो चुका है। तो ब्रिज होने के बाद अभी आप लोग क्या करना होगा, गेट सेफोला टेस्टनरी इथेरियम पे आप लोग सबसे पहले क्लिक करना। ऊपर देख सकते हो वॉलेट पे जाओगे, ब्रिज पे जाने के बाद सिंपली आप लोग इधर से क्या करना, फॉसेट ले लेना है जितना बार चाहो। आप लोग 10 बार फॉसेट ले लेना सबसे पहले बार, मैं सिंपली 10 बार फॉसेट ले लेता हूँ। इसमें आप लोग क्लिक करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार क्लिक करना। अभी एक साथ आप लोग एक एक करके सारा ट्रांजेक्शन अप्रूव करना, आप लोग जो कि जितने भी ये सारे के सारे टोकन आप लोग को मिल जाएगा, तो मैं सिंपली कन्फर्म कर देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने जो के इधर से जो के मैंने सारे के सारे प्रोसेस को अप्रूव करने के बाद देख सकते हो मेरे वॉलेट पे डाई आ चुका है, WBTC से आ चुका है, USDC से आ चुका है, RSETH आ चुका है। तो क्या करना आप लोग सभी इधर क्या करना, ETH पे क्लिक करना, सबसे पहले डाई को इधर क्लिक करके मैक्स करके आप लोग इधर ब्रिज पे क्लिक करके अप्रूव आएगा, अप्रूव देकर ब्रिज करना, डाई को एक बार ब्रिज करना, सारे के सारे WBTC RSETH सारे के सारे को क्या करना, सबको आप लोग पैरेलल पे ब्रिज कर लेना है। तो मैं सिंपली सबको पैरेलल पे ब्रिज कर लेते हूँ। तो सिंपली देख सकते हो मैंने जो कि इधर से ब्रिज कर लिया, इधर देख सकते हो मैंने जो कि डाई और WBTC ब्रिज करो, इसके बाद में ब्रिज करूंगा। तो आप लोग इधर से एक एक करके सारे सारे ब्रिज कर लेना। तो मैं सिंपली एक्टिविटी पे जाऊंगा, तो देख सकते हो मैंने जो कि डिपोजिट कर लिया, देखो सेपलर से पैरेलल पे, सेपलर से आप लोग डाई पे, इधर से सब कुछ हिस्ट्री आप लोग को शो कर गया। तो अभी आप लोग क्या करना, फिर से एप्स पे जाना, एप्स पे जाने के बाद आप लोग सिंपली चल जाना अभी लैंडिंग पे, जो कि आप लोग लैंडिंग पे चले आना। लैंडिंग पे जैसे आओगे तो आप लोग को ट्रांजिस्टर स्विच करने को बोलेगा, नेटवर्क को स्विच कर लेना। तो जैसे ही स्विच कर ले तो आपके सामने इस तरह से आएगा, तो इस तरह से आप लोग USDC सप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना, जो जो टोकन मिला है, जैसे कि USDC टोकन मिले, USDC को सप्लाई कर लेना है, WBTC को सप्लाई कर लेना है, RSETH को सप्लाई कर लेना, EZ मिला उसको सप्लाई कर लेना, WSTETH मिला इसको सप्लाई कर लेना। तो कैसे सप्लाई करना, थोड़ा थोड़ा करके सप्लाई करना है। जैसे कि आप लोग इधर सप्लाई मोड पे क्लिक करना, इधर देख सकते हो कितना 1,50,000 है ना। तो आप लोग क्या करना, इधर 10,000 या 20,000 करके आप लोगों को ट्रांजेक्ट करना है ना, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो सके, जैसे 20-20,000 पकड़ लेना, 20,000 करके जब आपको ट्रांजेक्शन करना है, फिर से 20,000 इस तरह से आप लोग जितना है सारे सारे इस तरह से 20-20,000 करके आप लोग ट्रांजेक्शन करना है। तो इसका मतलब लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी होगा, बोले ज़्यादा होगा, आप लोगों को ज़्यादा पॉइंट का भी यानिंग होगा। इस तरह ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और नेटवर्क फीस एकदम कम है, देख सकते हैं $0.1 के अराउंड टेस्टनेट पे है। तो इस तरह से आप लोग इसको सप्लाई कर लेना है, इसको WBTC को भी सप्लाई कर लेना है, RSETH होगा उसको भी सप्लाई कर लेना है। सारे का सप्लाई करोगे तो बाद में जब बोरो का ऑप्शन है नीचे नीचे आप लोग बोरो मोड पे क्लिक करना है। जैसे बोरो मोड पे क्लिक करना, जैसे 50% करके बोरो कर देना है। बोरो करने के बाद आप लोग साइड में रीपे का ऑप्शन है उसको भी यूज करना है, सब कुछ यूज करना है आप लोग। सो सिंपली इसमें बोरो कर लेता हूँ, बोरो करूंगा तो देख सकते डाउन हो गया है। बाद में तो रीपे पे क्लिक कर दूंगा, जैसे कि मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा, रीपे पे क्लिक कर दूंगा, मेटा मास्क पे जितना है सारे के सारे को मैं रीपे कर दूंगा। करने के बाद फिर से मैं रीपे पे क्लिक करूंगा, इधर देख सकते हो डायरेक्ट सप्लाई पे जो है उसको भी आप लोग करना, थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर सकते हो शायद। जैसे कि आप लोग 179,000 एक बार, 10,000 एक बार, 20,000 एक बार, 30,000, 50,000, इस तरह से करके आप लोग सारे के सारे 3-4 ट्रांजेक्शन में कर देना। इस तरह इसको भी करना, तो सप्लाई भी हो गया, बोरो भी हो गया, रिपे भी हो गया। बाद में क्या करना, इधर विड्रॉ पे क्लिक करके, तो इधर सब कुछ कितना ज्यादा है इसमें मैक्स देख सकते हो, मैक्स कितना है इसमें देखते हैं, 1,000। जैसे कि आप लोग 10,000 करके 5 बार विड्रॉ कर दो, इस तरह से आप लोग इधर एक बार देखते हैं क्लेम टू मेटामास्क लिखा है, इसमें एक बार क्लिक करें, जैसे कि क्लेम टू मेटामास्क इसको एक बार ऑन कर दो, ऑन कर दोगे, ऑफ कर दोगे तो मतलब आपका डायरेक्ट पैरेलल वाले पे आप लोगों को जो कि USDC रह जाएगा, इसको ऑन कर देगा तो आपको मेटामास्क पे आपका जो USDC बैलेंस है चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको भी यूज करना है, तो सारे के सारे फंक्शन यूज करना है। उस पर आपका फंक्शन जो कि है अभी तक ये वाला जो कि है ऑन नहीं हुआ, तो उस पर आपका फंक्शन जहाँ बाद में करना, बाद वॉलेट पे जाओगे तो वॉलेट पे आप लोग को जो कि इधर आप लोगों को वॉलेट पे अभी बैलेंस वगैरह सब कुछ शो कर देगा, देख सकते हो। तो बैलेंस से चाहो तो आप लोग इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो, जैसे ट्रांसफर
इधर मेटामार्क से पैरेलल, पैरेलल से मेटामार्क, इधर आप लोग मेटामार्क से जैसे ETH आप लोगों को मेटामार्क से पैरेलल पे ट्रांसफर कर सकते हो, USDC को भी चाहो तो ट्रांसफर कर सकते हो, इधर से भी आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो। और तो इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का एयरड्रॉप होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाद में जैसे एयरड्रॉप आएगा उनका पॉइंट के हिसाब से आप लोग को एयरड्रॉप मिलेगा। मेरे पास जैसे 5 लाख अराउंड है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना करीबन आप लोग को इसमें क्या करना 20K के अंदर रैंक पे आना है तो ज़्यादा आप लोगों को अच्छा होगा। तो सभी लोग करना, कोई भी मिस मत करना। तो आज के में इतना ही, तो बहुत दिन बाद वीडियो आया तो लाइक वगैरह भी करना। तो आज के लिए इतना है।